हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह आप सबके सामने। आज हम बात करने वाले हैं जी इम्पोर्टेंट मींस आजकल जीडीपी की बात हो रही है कि अगर अपने देश में जो भी वस्तुएं अगर अपने देश में बनाई जाएंगी, हम चाइना से या किसी अन्य कंट्री से उसको न ख़रीद के अपने देश में ही बनाए वस्तु का यूज़ करें तो अपने देश की जीडीपी बढ़ेगी। इससे रिलेटेड कुछ आजकल बातें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको एक जीडीपी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जाए और जीडीपी कैसे क्या किस प्रकार है थोड़ा समझा जाए क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर जीडीपी के बारे में। जीडीपी सबसे पहले हम बात बताएंगे आपको जीडीपी क्या होती है, इसके बाद बताएंगे कि एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक पीपीपी मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी, ये जीडीपी मेथड है, मतलब कि अभी जब पूरा आपको बताएंगे तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। ठीक, क्या है नॉमिनल जीडीपी, क्या है ट्रिपल पी जीडीपी, ट्रिपल पी मीन्स पीपीपी। ठीक, तो बात करते हैं, देखिए जीडीपी क्या है, टाइम ना गंवाते हुए वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। जीडीपी क्या है, एज यू नो वेरी वेल द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में या हम एक साल ले लेते हैं उस पर अपने देश द्वारा जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जितनी सेवाओं का उत्पादन मतलब जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जितनी सेवाएं होती हैं, सबकी जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। सोचिए अगर, लेकिन जीडीपी में केवल वही चीज़ जोड़ी जाती हैं जो अपने देश में बनाई जाती हैं, तो इसी कारण इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि लोग अपने देश के लोग अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें, क्योंकि अपने देश में बनी वस्तुओं का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक, तो इसीलिए सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट इट्स ओनली मीन टू ओनली यूज डेट प्रोडक्ट विच इज़ मेड इन इंडिया नॉट इन चाइना आर एनी अदर कंट्री। ओके, तो बात करते हैं, देखिए जीडीपी में क्या होता है कि हमारी जीडीपी जो होती है हम लोग अपने देशों में, जैसे कि हमारे देश की करेंसी रुपया है, किसी और देश करेंसी कुछ है, जापान की येन है, बांग्लादेश की टका है, तो ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अपने देश की करेंसी को एक कॉमन करेंसी में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो माना गया है कि हम लोग सभी देशों की करेंसी हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद डॉलर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते हैं किसकी जीडीपी ज़्यादा है, किसकी जीडीपी कम है। तो एक पर्टिकुलर पैमाना माना गया कि हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या कहानी है उसको अलग से बताया जाए कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, रुपए को डॉलर में, जापान में जैसे एन चलता है एन को डॉलर में, बांग्लादेश में टका चलता है टका को डॉलर में, इसी प्रकार हम लोग हर देश की करेंसी को डॉलर में चेंज कर देते हैं। तो वही इसके दो मेथड है, एक है तो नॉमिनल में क्या होता है कि सीधे जो मार्केट एक्सचेंज रेट है मार्केट में, जैसे कि क्या होता है कि मार्केट में जो चल रहा है, जैसे कि 1 रुपये हमारे देश में बात करते हैं 1 रुपीज़ में 70 डॉलर, तो हम लोग 1 रुपये में 70 डॉलर उसको चेंज करते हैं। तो जितना रुपए मतलब कि हमारे देश में एक साल में जितनी भी सामान जितने भी वस्तुओं जितने भी सेवाओं का कुल वैल्यू आती है सबको हम लोग डॉलर में चेंज करके हम लोग जीडीपी निकालते हैं। ठीक, एक होता है ट्रिपल पी क्या नाम है उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें क्या होता है परचेजिंग रेशियो। जैसे क्या होता है परचेजिंग रेशियो क्या बताता है, ट्रिपल पी ये बताता है कि द कास्ट ऑफ लिविंग मीन्स, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बताएं भारत में जैसे मान लीजिए हम कॉफ़ी पीते हैं और मैं अमेरिकन कॉफ़ी पीते हैं, अमेरिका में वही कॉफ़ी 1 डॉलर मिलेगा लेकिन भारत में अगर वही कॉफ़ी पियेंगे आप 10 रुपये मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए वहाँ चीज़ें सस्ती वहाँ चीज़ें महंगी ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव ज़्यादा है अमेरिका में, हमारे देश में चीज़ें सस्ती हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये थोड़ा सा आप लोग के बारे में जीडीपी के बारे में, और जीडीपी को चेंज करने जो डॉलर में चेंज करते हैं उसके दो तरीके हैं, एक नॉमिनल एक ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, कोई समस्या हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।